दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम के बारे में। कपालभाति प्राणायाम एक पावरफुल प्राणायाम की टेक्निक है जिसके अंदर सांस को तेजी से छोड़ा जाता है और धीरे से लिया जाता है। इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में MD, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कपालभाति शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है कपाल जिसका मतलब है माथा या खोपड़ी और दूसरा है भाति जिसका अर्थ है चमकना। एक ऐसा प्राणायाम जिससे हमारे माथे पर, हमारे चेहरे पर नेचुरल चमक पैदा हो जाए उसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। इसको करने के लिए आप आराम से सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं और उसके बाद में आपको एक मुद्रा बनानी है। आप अपने अंगूठे को पहली उंगली के साथ मिला के बैठ सकते हैं इस प्रकार रख के, ये ध्यान मुद्रा है, या अपनी पहली उंगली को आप अंगूठे के जड़ में लगा के ऐसे दबा के बैठ सकते हैं, ये वायु मुद्रा है। इनमें से एक मुद्रा में बैठना है, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए इस प्राणायाम को करने से। जब आप इस प्राणायाम को करेंगे तो आपको सांस को फोर्सफुली बाहर छोड़ना है और अपने आप अंदर आने देना है। इस प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूँ। इस प्रकार से कपालभाति प्राणायाम कम से कम 5-5 मिनट करके 3 बार में 15 मिनट किया जाता है और इससे व्यक्ति को बहुत से लाभ होते हैं जिनके बारे में हम एक एक करके अब जानेंगे। सबसे पहला है, ये हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन को सुधारता है, इम्प्रूव करता है। ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर जाती है, उसके प्रत्येक हिस्से में जब ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो वो जो फेफड़ा है वो उसकी जो फंक्शनिंग है, उसका जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। इस प्राणायाम के करने से फेफड़े ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके और हमारे शरीर में भेजने का काम करने लग जाते। नंबर 2, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करता है। जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो सांस बाहर जाता है तो पेट अंदर जाता है और ये जो हमारे डायफ्राम के नीचे का हिस्सा जिसके अंदर हमारा पेट है, हमारी आंतें हैं, हमारा किडनी है, हमारा ड्यूडिनम है, हमारा लीवर है, उन सब की मूवमेंट और गति होने से उनको एक्सरसाइज मिलती है और वो अच्छी प्रकार से काम करने की स्थिति में आ जाते हैं। नंबर 3, कपालभाति प्राणायाम डिप्रेशन और एंजाइटी को खत्म करता है। इसके करने से एक हैप्पी हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एंडोर्फिन और ये एंडोर्फिन प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर स्ट्रेस को खत्म करता है, एंजाइटी को खत्म करता है और हमारे को एक अनोखी प्रसन्नता देता। नंबर 4, ये कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। व्यक्ति के अंदर एक पॉइंट पर, एक काम पर फोकस करने की क्षमता पैदा करता है और मेंटल जो एबिलिटी है उसको बढ़ाने का काम करता है। ये स्टूडेंटों के लिए भी बहुत लाभदायक है और आम आदमी के लिए भी बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। नंबर 5, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सब को ये बाहर निकाल करके हमारे शरीर को शुद्ध कर देता है। ये हमारे इम्यून पावर को बढ़ाता है जिससे हम बीमारियों से मुकाबला करने की हमारी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। कपालभाति प्राणायाम एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। आधा घंटा प्राणायाम पर लगा करके जो बाकी 23.5 घंटे बचते हैं उसमें हम डबल काम कर सकते हैं। इस प्रकार ये हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाने वाला है। कपालभाति प्राणायाम एक बड़ा विशेष प्राणायाम है, इसको प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इसके द्वारा बहुत से रोगों को ठीक किया जा सकता है जिसके अंदर डायबिटीज है, जिसके अंदर थायराइड है, जिसके अंदर हाई BP है, इन सभी बीमारियों को ये रिवर्स करने की क्षमता रखता है। हमें प्राणायाम किसी योग्य योग शिक्षक की देख रेख में करना चाहिए। दोस्तों सुबह 5:15 बजे जूम के ऊपर और इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरी योगा क्लास होती है जो पूर्ण रूप से फ्री है, हर व्यक्ति उसके अंदर आ सकता है, बहुत से व्यक्ति आते भी हैं। उसके अंदर एडमिशन के लिए मैं एक फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वो फॉर्म भरिएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो मैं आपके पास उस मीटिंग का लिंक भेज दूंगा, आप उसमें ज्वाइन होकर के और योग का
जो प्रैक्टिकल पक्ष है उसको भी जान सकते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।